तो देखो यार, हर इंसान की जिंदगी की एक कहानी होती है और उसकी कहानी भी पूरी तरह उसी का हक होता है। पर यह भी जरूरी नहीं है कि यार हर इंसान की कहानी बेस्ट हो। Amazon Prime पर रिलीज हुई एक वेब सीरीज जिसका नाम है बेस्ट सेलर। बेस्ट सेलर ऐसे ही लोगों की कहानी है जो बेस्ट सेलर तो है, उसको लिखा किसी और ने है। और फिर दूसरों की कहानी चुराने का क्या नतीजा हो सकता है, वो भी आपको इस सीरीज में देखने को मिलेगा। बेस्ट सेलर बेस्ड है एक इंग्लिश नॉवल को जिसको लिखा है रविंद्र सुब्रमण्यम। बेस्ट सेलर शी रोट। तो सीरीज की शुरुआत बहुत ही नॉर्मल तरीके से होती है और धीरे 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 ये अपना पेस पकड़ लेती है। बेस्ट सेलर एक क्राइम थ्रिलर सीरीज है जिसके डायरेक्टर हैं मुकुल अभ्यंकर। तो फटाफट जान लेते हैं सीरीज की कास्ट के बारे में। सीरीज में आपको नजर आते हैं गौहर खान, मिथुन चक्रवर्ती, श्रुति हसन, अर्जुन बाजवा, सत्यजीत दुबे। सीरीज में टोटल 8 एपिसोड हैं और सभी के सभी एपिसोड 35 से 40 मिनट के हैं और ये सीरीज ए रेटेड है। तो फैमिली के साथ आप देख सकते हैं कि नहीं देखते ये खुद डिसाइड कर लेना, पर मैं रेकमेंड नहीं करूंगा। बेस्ट सेलर कहानी एक हिंदी नॉवल राइटर की, ताहिर वजीर, जिसने 10 साल पहले एक नॉवल लिखा था जो एक बेस्ट सेलर नॉवल था जिसको मल्टीपल लैंग्वेजेस के अंदर ट्रांसलेट भी किया गया था। बट उसके बाद अगले 10 साल तक उसने कुछ भी नहीं लिखा क्योंकि उसको कोई नई कहानी नहीं मिल रही थी। और फिर वो एक दिन अपने एक फैन से मिलता है जिसका नाम होता है मीतू माथुर। तो मीतू एक छोटे शहर से आई है और वो ताहिर वजीर की तरह एक कामयाब राइटर बनना चाहती है। अपनी लिखी हुई कहानी ताहिर को सुनाती है, पर ताहिर को उसकी कहानी की बजाय उसकी पर्सनल लाइफ में ज्यादा इंटरेस्ट है। ऐसा क्यों है बताता हूँ। क्योंकि ताहिर वजीर को लगता है कि मीतू की जिंदगी की कहानी में वो हर चीज है जो उसके नॉवल की कहानी का मसाला बन सकती है और उसको एक नई कहानी भी दे सकती है। तो चाय में अगर अदरक ना हो और कहानी में ट्विस्ट ना हो तो मजा नहीं आता। तो कब जज्बात बदल जाते हैं, हालात बदलते हैं और ताहिर वजीर खुद मीतू की कहानी में फंस जाता है। और ये इस कहानी का थ्रिलर। रुको जरा, सब्र करो, बोला तो तुमको बेस्ट सेलर में और क्या देखने को मिलेगा। हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में गड़बड़ हो चुकी है, फ्लैशबैक की स्टोरीज, हैकिंग, एड इंडस्ट्री और एक सीआईडी ऑफिसर। इन सब के बावजूद ये सीरीज कम्प्लीटली फोकस करती है ताहिर वजीर की बुक के ऊपर, जिसका नाम मैं लूं के ना लूं नहीं लूंगा क्योंकि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग नाम है। जब ये सीरीज तुम देखोगे तो नाम तुम्हें भी अजीब लगेगा। सीरीज की राइटिंग में थोड़ा और अच्छा काम हो सकता था, अच्छे से अडेप्ट किया जा सकता था या ट्रांसलेट किया जा सकता था इसको। मुझे नहीं पता बुक में क्या कहानी और इस सीरीज की कहानी में कितना फेरबदल किया गया है कि नहीं किया गया। बात करें श्रुति हसन की, तो श्रुति हसन ने इस सीरीज के अंदर दो कैरेक्टर प्ले किए हैं और दोनों ही कैरेक्टर काफी अच्छे ढंग से उन्होंने निभाए हैं। मेरे हिसाब से जितना मुझे आइडिया है कि काफी टाइम बाद वो हिंदी ऑडियंस को दिख रही हैं। अर्जुन बाजवा की बात करें तो उनके अंदर राइटर वाली बात दिखती नहीं, बस ऐसा लगता है कि उनको एक टैग दे दी गया है राइटर का और बस वो पूरी फिल्म में अपने अंदर के राइटर को निकालने की कोशिश करते हैं। इसलिए वो पिछले 10 साल से खाली ही बैठे हैं, मतलब कहानी ढूंढने में लगे हुए हैं, और जब उनको एक कहानी मिलती है तो वो भी उनकी खुद की नहीं होती है। सत्यजीत दुबे को हम इससे पहले Amazon Prime की एक सीरीज में मुंबई डायरीज के अंदर देख चुके हैं, पर इस सीरीज के अंदर वो आपको एक अलग ही कैरेक्टर में दिखेंगे। गौहर खान की बात करूं तो हुस्न की बारिश हुई है। एक्टिंग के मामले में थोड़ा सा टाइट ही रहा है उनका हाथ, बट वो एक अच्छी एक्ट्रेस है, पर उनका कोई करेक्टर ऐसा रहा नहीं है जो हमारे दिमाग में बैठ जाए। मिथुन चक्रवर्ती एक सीआईडी ऑफिसर है जो ऑलमोस्ट रिटायर होने ही वाले हैं और वही इस सीरीज के अंदर थोड़ा बहुत फन एलिमेंट लेकर आते हैं और उनका ये अंदाज आप लोगों को जरूर पसंद आएगा। तो यार देखो, जिस तरह से OTT की डिमांड बहुत बढ़ती जा रही है, फिल्में, वेब सीरीज, शोज वगैरह सब OTT पर जा रहे हैं, तो ऐसे में कई बार क्या होता है कि बहुत कम शोज या कहानियाँ ऐसी होती हैं जो हमारे दिमाग पर छाप छोड़ जाती हैं। पर ये सीरीज बेस्ट सेलर उन सीरीज में से एक नहीं हो पाएगी क्योंकि ये उतनी दमदार सीरीज नहीं है, पर ये एक वन टाइम वॉच अच्छी सीरीज ज़रूर है। तो तुम लोग इस सीरीज को देख सकते हो, इंटरेस्टिंग रहेगी, ग्रिपिंग भी रहेगी, प्लस मजा भी थोड़ा बहुत आएगा, पर एक टाइम के बाद, पर सीरीज के 4-5 एपिसोड्स के बाद कहानी तुम लोगों को समझ में आ जाएगी और उसके बाद जो है आप देखो ना देखो तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए मैंने कहा था कि राइटिंग थोड़ी अच्छी हो सकती थी क्योंकि ये राइटर्स का काम है कि ऑडियंस को कनेक्ट करके रखें एंड सीन तक, जो कि मुझे इस सीरीज में देखने को नहीं मिला। फिर भी मैं रेकमेंड करूंगा तुम लोग इस सीरीज को देख सकते हो और उम्मीद करता हूं तुम्हें ये वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर लेना और चैनल पर नए आए हो तुम्हें एक कप चाय की कसम है सब्सक्राइब कर जाना। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।